हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की पिट्ठी। तो दाल की पिट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले ये एक कटोरी दाल मैंने ली है और इसको मैं पानी में एक घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी। तो इसको रख दे रहे हैं सोक करने के लिए, एक घंटे का टाइम लगता है। तो ये पानी लेके मैंने इसको एक घंटे के लिए रख दिया। तो अभी एक घंटा हो चुका है, इसी बीच में मैंने अपना आटा भी तैयार कर लिया था। आटा आपको नॉर्मल जैसा आप रोटी बनाने के लिए लगाती हैं, बस वही आटा तैयार करना है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। दाल, सबसे पहले मैंने दाल में नमक डाला। दाल आपको जैसे आप दाल बनाती हैं उसी तरीके से आपको दाल बनानी है। ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, जैसे रेगुलर दाल हम बनाते हैं सेम इंग्रेडिएंट्स। तो अब ये दाल मैंने चढ़ा दी है और दाल में एक सीटी आने का वेट करेंगे, तब तक हम अपनी पिट्ठियाँ तैयार कर लेते हैं। तो पिट्ठी, दाल पिट्ठी के लिए पिट्ठियाँ दो टाइप से बनती हैं। तो एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी। तो पहले ये देखते हैं कि ये क्या है। ये बहुत ही अमेजिंग वे है बच्चों के लिए। आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप बना सकती है, पर मैं जो शेप बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी अभी मैं कैसा शेप देती हूँ। बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है डिश। तो ये कैंडी शेप है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉल्स मैंने बना के। आप ऐसा लंबा करके उसको हाथ से प्रेस कर देना है, अपने दोनों पाम्स के बीच में उसको प्रेस करना है। ये वो शेप है जो मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और शेप भी बना सकते हैं। और दूसरा शेप ये है, एक छोटी सी बॉल को लेके हाथ से दबाना है और उसके ऐसे इस तरह से आपने सामने आपको प्रेस करके ये शेप देना है इस तरह से। ये कॉर्नर्स ऐसे दबा देने। अब आप देख रहे हैं बीच में जो स्पेस है इसमें दाल फिल हो जाती है। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्वांटिटी जो आती है आटा और दाल की एक साथ, तो टेस्ट और बढ़ जाता है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है। इस तरह से रोटी आपको बेलनी है, मोटी मोटी सी रोटी बेलिए। और फिर उसको नाइफ की हेल्प से कट कर लीजिए। साइज बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। बहुत ही इजी डिश है। अगर आप कभी शॉर्टकट कुछ बनाना चाहते हैं तो ये डिश जो है मेरी फेवरेट है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखी जाए तो उस हिसाब से बहुत ही इजी डिश है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत हाई है इसकी। दाल से हमें प्रोटीन मिल जाती है और गेहूं का आटा, उससे फाइबर मिल जाता है। तो एक सीटी हमने लगाई थी, स्टीम निकाल के हम दाल को देख रहे हैं। दाल में एक सीटी आ चुकी है। अब जो पिट्ठियाँ मैंने बना करके तैयार कर ली हैं वो हम दाल में डाल देंगे। एक साथ सारी पिट्ठियाँ ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो फिर वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगी और सब जगह पे दाल का टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद मैं इसको चला दे रही हूँ। अब मैं एक चम्मच घी ऐड कर रही हूँ ताकि पिट्ठियाँ अलग अलग रहें, चिपके नहीं। सीटी और आने तक हम इसको पकाएंगे। एक सीटी पहले आई है और अभी दो और सीटियां हमें लगानी है। तो और दो सीटियों के बाद में पिट्ठी पक जाएगी, तब तक मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो तड़के के लिए दो चम्मच घी और जीरा, हींग, ढेर सारा लहसुन,
लहसुन आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम डाल सकती हैं, या फिर आप सिर्फ जीरे का तड़का भी लगा सकती हैं। और ये सूखी खड़ी लाल मिर्ची है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा तीखा खाती हैं तो ज़्यादा, कम तीखा खाते हैं तो कम, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो तड़का हमारा तैयार है और हमारी पिट्ठियाँ भी तैयार हैं। दो सीटी आने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो देखेंगे हम खोल के कि हमारी पिट्ठी कैसी बनी है। ये देख रहे हैं आप, पिट्ठियाँ बन के तैयार है और इसमें मैंने तड़का ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है, इसको एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।